कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव विशतु मे मनसो राजहंस प्राण प्रयाण समय कपबात प्रित्वै कंठावरोधन विधौ भजनम कुतोस्ते कृष्ण तदीय पद पंकज पंजनांतम अद्वैव विशतु मे मन मनसो राजहंसो प्राण प्रयाण समय कफबात प्रित्वै कंठावरोधन विधौ भजनम कुतोस्ते भजनम कुतोस्ते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी रघुपा परमहंस जगद्गुरु जी ने बताएं, भगवान जिस अवस्था में हमको रख के जिस अवस्था में मेरे को रखना चाहते हैं इसी अवस्था में रह के प्रसन्न रहना चाहिए। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, भगवान जिस अवस्था में मेरे को रख के सोचता है कि अच्छा तो वही मेरे लिए मंजूर है निश्चित रूप में, क्योंकि मंगलमय भगवान का हर व्यवस्था ही मंगलमय, मंगलमय भगवान का सारे व्यवस्था ही मंगलमय है। मंगलमय का व्यवस्था में, मंगलमय का व्यवस्था का अंदर में कभी भी अमंगल नहीं रह सकता, कोई संभव नहीं। दयामय का सभी दया, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। भगवान जो कुछ भी किया, जो कुछ भी करेंगे, सब हम लोगों का मंगल के लिए, सब हम लोगों का मंगल के लिए, लेकिन ये अनुभव में आना संभव नहीं होता माया के लिए। तो बात कह रहे हैं, अब भगवान का दया देखने का जो तरीका, जो शिक्षा है, ये सीखने से हम भगवान का दया देखना सीखे, देखने सीखे, इसमें मंगल है। भगवान जब जिसको जिस हालत में रखते हैं वो बिना किसी प्रतिवाद, बिना किसी गुंजाइश, हंसी मुख से इस अवस्था में रहकर भगवान का पुरस्कार या तो तिरस्कार ग्रहण करें, ग्रहण करना उचित है। भगवान का कोई भी व्यवहार मेरे लिए सारे मंगल के लिए है, लेकिन हम लोग इतना बोका है, भगवान का माया शक्ति जब हमको पुरस्कार देते हैं तरह तरह का, तब आनंद होता है, लेकिन जब माया देवी हमको समस्या में फेंके, मुसीबत में फेंके, तब हमारा बहुत कष्ट होता है, ये हृदय से मंजूर नहीं हो पाता। माया देवी का ये जो कष्ट, माया देवी का जो पनिशमेंट, जिसका बारे में ब्रह्म संगीता में बताया, सृष्टि श्रुति पलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम पी जस्व च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम। भगवानेर माया के द्वारा भगवान जो कष्ट दिया,
ये अच्छा नहीं लगता, खराब लगता, इसको अनुकूल रूप से ग्रहण करने का हिम्मत नहीं होता। तौरूप सहिष्णुना ये जो श्लोक है इसमें महाप्रभु जी ने बताए, ब्रिक हमारा भक्तिविनोद ठाकुर इसका बंग इसका अंतर्निहित अर्थों का व्याख्या की। अंतर्निहित अर्थो वृक्ष जानो काटिले किछु ना बोलय, सुखाइया मईले कारे पानी ना मांगय, जे जा मांगे तारे दे अपन धन, घर्मबृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। इस अवस्था तक पहुंचने से, इस अवस्था तक पहुंचने से तब हरिभजन होता है। आज जब राग मत्मचंदी का चर्चा करने बैठे तो महाप्रभु का शिक्षा स्टक का जो अंतिम श्लोक अश्लिष्ट वा पदर्थम विनष्टुम हम अदर्शनाद मर्माहतम करतु वा यथा तथा विधातुलम पटो मत्पनाथस्तु सहेबन, इसको ध्यान देना चाहिए। महाप्रभु जी ने स्वयं भगवान लेकिन फिर भी गोपी भाव लेकर महाप्रभु जी ने बताए, गोपो भर्तुर पदगमनर दासुदास, भगवान हमको आलिंगन करे और हमको फेंक दे, किसी भी हालत में हमको छोड़ दे, ये सारे मंजूर है, सहन करना उचित है। जो लोग सांसारिक अमंगल को भगवान का दया समझ नहीं पाता, ये लोग बार बार पुनः पुनः संसार का उन्नति सुख का अनुसंधान करने में व्यस्त रहते और अंतिम में हार जाते हैं, अंतिम में थक जाते हैं और इनके सारे प्रयास प्रचेष्टा निष्फल हो जाता है। ये समझना जरूरी है, सब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, सब भगवान का भगवत इच्छा। सो कोई भी मुसीबतें आन पड़े तो बड़ा सहनशीलता के साथ भगवत करुणा का प्रतीक्षा करना जरूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गे वा निरय तब भक्ति रहु भक्ति विनोदित है। सो हम लोगों को भक्ति में अवस्थान होने से अर्थात हृदय में भक्ति रहने से, भक्ति में अवस्थान रहने से अपना रक्षा करने का जुमा, अपना पालन पोषण का जुमा ये सब नहीं रहता है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, निजेरो पोषण कोबुना चिंतिबो रहिबो भावेरो घरे। भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन किया ना, ये सब भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन किया इसमें, निजेरो पोषण कोबुना चिंतिबो रहिबो भावेरो घरे, एक कथा कीर्तन किए। अर्थात हमारा सब कुछ भी है, अपना पोषण रखन का चिंता नहीं रहता है जब हमारा दिल में भक्ति बोलकर चित रहता है, वास्तव भक्ति। प्राप्तम कर्मफल के द्वारा कभी अस्वस्थ कभी सुस्थ होना ये स्वाभाविक है। जब सुस्त रहते हैं, सुस्त रहने से कृष्ण विमुख हो जाता हूं, बड़ा हम ताकत है, हमारा पावर है, ऐसा कुल के मैं कृष्ण विमुख हो जाता हूं, भोगोन्मुख भोग में उन्मुख हो जाता हूं। अरे छोड़ो इतना तो करना ही चाहिए, अरे छोड़ो इतना तो करना ही चाहिए, क्या है ये, ठीक नहीं।
जब ही सुस्त रहता हूं तो कृष्ण विमुख हो जाता हूं, उस समय भगवान जो सर्वमय कर्ता, भगवान का जो भक्त है, ये लोगों को नीचा देखने का चेष्टा होता है। जैसे भोपाल बोला ना, अधिक अधिक अर्थो प्रचुर परिमाणे, प्रचुर बहुत अर्थो आदि संग्रह करना हमारा जिंदगी का मकसद बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये होने से हम भगवान का भक्तों लोगों को उपेक्षा करेंगे, अपमान करेंगे। उस समय भगवत भक्तों को नीचा, मैं अपना जिंदगी का जो पहले का इतिहास, जो दो रोटी मिलना मुश्किल था, ये भूल जाता हूँ। अब इतना पैसा आया है जो गुरु वैष्णव को पागल समझता हूँ, ऐसा ही महिमा है। आप गुरु वैष्णव को श्रेष्ठ ज्ञान करना संभव नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर धन दौलत इकट्ठा करने में, पैसा इकट्ठा करने में लग जाए तो तभी गुरु वैष्णव को अपमान करेंगे, उपेक्षा करेंगे, ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। इसीलिए श्री कृष्ण हमारा चारों ओर से विचार करके, इसीलिए श्री कृष्ण हमारा चारों ओर से विचार करके हमारा जो व्यवस्था दिया है, भगवान जो व्यवस्था हमारा लिए रखा है, अर्थात तरह तरह का दुख कष्ट अशास्त्र, अतः हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, ये तरह तरह का जो समस्या है इसी में हमको रखते हैं। इसीलिए भक्तोगण हर वक्त तत्ते अनुकंपा, इसीलिए भक्तोगण हर वक्त तत्ते अनुकंपा विचार में प्रतिष्ठित है। तत्व अनुकंपा क्या है, समझने का कोशिश करता है। जिस तरीका से भगवान का आनंद हो जाए, जिस तरीका से हम भगवान श्री कृष्णों का सर्वांगीण रूप से संतुष्ट कर सके, ये तरीका ही है सबसे बढ़िया, ये सबसे अच्छा है। इसके लिए मेरे को कितना भी परेशानियां झेलनी पड़ी तो भी फिर भी अच्छा है। तुम्हार सेवाए दुखो है जतो से हो तो बरम सुख। कृष्ण का सर्वांगीण इंद्रियो तर्पण करना एकमात्र कृष्ण का अधिकार है, इंद्रियो तर्पण हमारा काम नहीं है। सर्वांगीण रूप से भगवान श्री कृष्ण का सर्वेंद्रियो तृप्ति करने का ब्रजवासियों का अनुगत्व में जो प्रयास प्रचेष्टा, इसका नाम है रागानुगा भक्ति। कृष्ण अगर मेरे को किसी अवस्था में रखकर खुशी होता है तो मैं खुशी हो जाऊं, ईश्वर जाऊं। कृष्ण मेरे को जिस भी हालत में रखे तो इस आश्रम में हर वक्त सही सलामत रहना चाहिए, सर तो पर ये उपलब्धि होना चाहिए। ब्रजवासी कौन है, किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न किया, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, देखो ब्रजवासी वो है जो सर्वेंद्रियो सर्वांतकरण में सर्वेंद्रियो देकर हर वक्त भगवान का परम आनंद विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा करे,
इनके जिंदगी में ये छोड़कर कोई दूसरा हिसाब किताब नहीं बनता। ये छोड़ के एक ब्रजवासी का जिंदगी में कुछ हिसाब किताब नहीं बनता। ब्रजवासी वो है जो हर वक्त पल पल में भगवान श्री कृष्ण का जो संतुष्टि विधान करने का जो प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहते हैं निरवच्छिन्न रूप में, इसका नाम है ब्रजवासी। इसका नाम है ब्रजवासी। ये छोड़कर ब्रजवासी किसको बोलूं? ये राघवत्म चंदिका कर चर्चा करते हुए हम लोग काल इस विषय पर थोड़ा चर्चा किया। वर्तमान कलियुग में संकीर्तन नाम कीर्तन छोड़कर दूसरा साधन का कोई विशेष गुरुत्व तो नहीं है, क्योंकि हर भक्ति मार्ग में ही सर्वशास्त्रोक्तिक नाम संकीर्तन की महिमा गाया गया है, जिस बारे में बताया था एतत् निवृत्तमानानं मिच्छताम अकुतो भयम् जोगिनाम निपो निर्णितम हरे नामानुकीर्तन। तमाम भक्त समाज का फाइनल कंक्लूजन यही है, ये एतत् निवृत्तमानानं मिच्छताम अकुतो भयम् जोगी नाम निपो निर्णितम हरे नामानुकीर्तन। ये छोड़कर सबसे तमाम साधुओं का यही विचार है, और विशेष करके कलियुग में तो और कोई, वर्तमान कलियुग में कीर्तनांग कीर्तनाख्या भक्ति सबसे भजन का अधिकार, क्योंकि हर भक्ति मार्ग में सर्वशास्त्रोक्तिक नाम संकीर्तन भगवान का ये सबसे बड़ा इसका मर्यादा दिया गया। कीर्तनांग के निखिल उत्कर्ष विशेष प्रतिभा। लेकिन शिल रूपोगोस्वामी पाद का लिखित विलिखित उज्जवल नन्मणि ग्रंथों में दो चार बातें ऐसा देखा जाता जिसके द्वारा कुछ गलत फहमी हो सकता। वो क्या लिखा है? श्रद्धायुक्त होकर तपस्या करके पूर्ण प्रेम लाभ कर तो ब्रज जन्म लाभ किया था। इस प्रमाण के अनुसार आधार पर गोप जाति प्रेम प्राप्ति के प्रति तपस्या का एक प्रभाव व कारणत्व तो, एक कॉज देखा जाता। लेकिन अगर आदमी उल्टा समझे, क्योंकि कलिकाल में कोई तपस्या है नहीं, वर्तमान कलयुग में दूसरा कोई तपस्या का कोई विषय है नहीं, एकमात्र व्रतो ही तपस्या, अर्थात एकादशी व्रतो रखना, जन्माष्टमी आदि व्रतो रखना, यही इसका नाम है तपस्या। प्रवृत्ति व्रत समूह तप रूप निमित्त का वही निमित्त कित्वादि अकरणे नहीं करने से प्रत्यवाय अर्थात भोगना पड़ेगा। इसीलिए स्थिति शास्त्र में एकादशी व्रतों का उपवास करना ही विधान दिया गया। विधि पक्षे एकादशी तो उपवास करा, स्थिति शास्त्र में एकादशी आदि व्रतों में उपवास करना यही गोविंद स्मरण, हमारा भजन का हर क्रियाक्रम में कृष्ण स्मृति बने रहना चाहिए, यही अगर हमारा मकसद है तो स्थिति शास्त्र में एकादशी व्रतों अगर पालन करे विधि पक्ष में, एकादशी में
उपवास करना मतलब गोविंद 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 स्मरण करना, ये नियम है। और ऐसे स्थिति वाक्यों में जो उपादान कारण रूप स्वरूप स्वरूप जो स्मरण स्मरण अंगों का प्राप्ति अर्थात एकादशी मंत्र का माध्यम में भगवान का चिंतन भगवान का स्मरण में रखना उचित है, यही वाइटल है। और अगर विपरीत निषेध पक्ष में मतलब जो एकादशी व्रत नहीं करता है, एकादशी व्रत नहीं करने वाले क्या होता है, स्कंद पुराण में बताया गया जो एकादशी पुराण जो एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, स्कंद पुराण में बताया गया जो बिल्कुल एकादशी व्रत रखते नहीं पालन नहीं करते इनके लिए खतरा है। कैसा खतरा है, बजे गुरु हत्या का पाप लगता है बहुत बहुत सारे, क्या है मातृहत्या पितृहत्या भातृहत्या गुरुहत्या, इसी प्रकार का स्कंद पुराण का वचन में सब ये सब आता है पातों के तो सब। और ये सब पातों की हो जाए इससे नाम अपराध का उद्गम होगा ही होगा। दूसरा बात है विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथों में प्रवचन में ब्रह्म हत्याकारी सुरापाई अपहरणकारी गुरुतल्पगामी धर्मशास्त्रांक अनुसार प्रायश्चित्तों का बारे में थोड़ा बताया गया विष्णु धर्मोत्तर। ये लोग जो ब्रह्म हत्याकारी है सुरापाई है गुरु तल्पगामी गुरुपत्नीगामी अपहरणकारी धर्मशास्त्रों का अनुसार प्रायश्चित्व का अलग अलग का विधान देखा जाता है, किंतु एकादशी में अन्न भोजन करने से अविनाशी पाप अर्थात कोई प्रायश्चित्व का कोई विषय एकादशी में अन्न भोजनकारी का अविनाशी पाप विशेष रूप प्राप्ति ये देखा जाता है। ये सब निंदा शोभन के लिए श्री एकादशी आदि व्रत का अत्यावश्यक कृतत्व प्रणामित अर्थात एकादशी जरूर करना चाहिए विदाउट एनी फेल इत्यादि आवश्यक कृत्य नित्यता स्वीकृत अर्थात ये नित्य पालन करना चाहिए। ज्यादा बोलने का कोई जरूरी है नहीं, अधिक क्या बोला जाए, परम आपद परम आनंद परम आपद अथवा परम आनंद उपस्थित होने से जो व्यक्ति एकादशी व्रत त्याग नहीं करता इनको ही इनके लिए ही वैष्णवी दीक्षा यथार्थ है। जो व्यक्ति सामान्य परिस्थिति विपरीत होने आने से एकादशी संभव नहीं है बोल के छोड़ता है ये दीक्षा लेने का लायक नहीं है। परम आपद और परम आनंद का समय आने से जो व्यक्ति एकादशी व्रत किसी भी हालत से त्याग नहीं करते इसके लिए ही वैष्णवी दीक्षा यथार्थ है, बाकी के लिए नहीं कर। कोई एकादशी इच्छा है तो पालन किया, नहीं तो नहीं किया, नाम जब इच्छा है तो किया और अन्य आदि नित्य नियमित कर्म इच्छा हुआ तो इच्छा हुई तो की, नहीं इच्छा नहीं की ऐसा। और जो व्यक्ति समस्त कर्म श्री विष्णु चरण में अर्पण कर देता है यही यथार्थ वैष्णव कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। जो व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ दे देता है बोले जो व्यक्ति समस्त कर्मों से विष्णु चरण में समर्पण कर देता है यही वास्तविक वैष्णव है। स्कंद पुराण वचन में देखा जाता है
एकादशी व्रत के द्वारा वैष्णव लक्षण निर्देश किया गया। एकादशी स्कंद पुराण में वचन में एकादशी व्रत का द्वारा वैष्णव लक्षण निर्देश किया गया। और भी है श्री भगवान में जो अर्पण नहीं किया गया ये भोजन वैष्णव के लिए सख्त माना है। श्री भगवान में अनिवेदित अर्थात निवेदित नहीं किया गया वस्तु भोजन वैष्णव के लिए सख्त माना है, निषेध। वैष्णव अगर गलती से प्रमाद वशत एकादशी दिन में अगर भोजन कर लेता है, ये वचन में एकादशी दिन है बोले वैष्णव का ये जो है वैष्णव पक्ष निषेध जन्य। वैष्णव अगर प्रमाद वशत अर्थात गलती से एकादशी दिन भोजन कर दिया, ये भोजन क्या करता है, वो तो महाप्रसाद छोड़ के कुछ नहीं पाता। इसीलिए इसको ऐसे समझना चाहिए वैष्णव प्रमाद वशत एकादशी दिन अगर भजन कर लिया तो इसका नेक्स्ट डे गलती से एकादशी दिन भोजन कर नेक्स्ट डे एकादशी रखना है, नियम है जो भी है। इसके द्वारा एकादशी दिन में महाप्रसाद भोजन भी निषेध एकदम साबित हो गया, क्योंकि वैष्णव यदि प्रमाद वशत एकादशी दिन भोजन कर ले, क्या भोजन करता है, महाप्रसाद भोजन कर ले, तो मतलब एकादशी का तिथि में महाप्रसाद को भी सम्मान करके अलग से रखना, जैसे श्रीमद महाप्रभु जी ने रखा एकादशी दिन में बहुत ढेर सारे महाप्रसाद लाया, महाप्रभु गोविंद को बोला है प्रसाद का सम्मान करके इसका रख दो, काल इसका पारण में लगेगा, सारे शिक्षा महाप्रभु दिया। ऐसा मापे कार्तिक व्रतो दामोदर कार्तिक व्रतो, इसमें बहुत सारे रोक टोक है, ये खाना माना ऐसा करना माना, बहुत सारे निषेध है, विधि निषेधात्मक। तो कार्तिक व्रतो भी तपस्या का अंश में निमित्त कारण ही बन जाएगा। और शोभन कीर्तन आदि कार्तिक व्रत में बहुत जरूरी है, ये अगर चिंता करे तो उपादान कारण है। कार्तिक व्रतो तपस्यांश निमित्त कारण और शोभन कीर्तन उपादान कारण। शिल रूप से बात बहु जगह कार्तिक देवता उज्जो देवी उज्जेश्वरी कार्तिक व्रतो का ये सब नाम उल्लेख किया, विशेष रूपे वही कार्तिक व्रतो का श्री वृंदावनेश्वरी प्रापकत्व अर्थात श्रीमती राधारानी का ही चरण कमल प्राप्ति करना ही मकसद है ऐसा समझा जाए। और ऐसा भी लिखा गया जो अम्बरीश रूप गोस्वामी बात उठा के दिया, शास्त्रों का वचन उठा के दिया, ये अम्बरीश तुम सुख पक्तो सुखदेव के द्वारा कथित श्री भागवत नित्यो श्रवण करुण, आप नित्यो श्रवण करें। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो कथित प्रवचन किया गया जो भागवत जी है ये नित्यो श्रवण करें। ऐसा प्रकार स्मृति वचन किसी स्थिति से रूप गोस्वामी बाद उठा के दिया, इसी प्रकार का स्मृति का वचन का अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण भी नित्य कित्तो बोलकर विचार किया जा सकता है, नित्य श्रवण करूं, क्योंकि स्मृति वचन उठाकर दिया। यहां बोल रहे हैं अम्बरीश महाराज
शुको प्रक्तो शुको सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कथित श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण कीजिए। इसी प्रकार का स्मृति वचन का अनुसार श्रीमद् भागवत जी महापुराण भी नित्य कृत्य श्रवण करना, नित्य कृत्य बोल के विचार किया जा सकता है। जगह जगह से एक एक करके श्लोक उठाकर प्रमाण दिखाकर श्रील विश्वनाथ चतुर्थी बाद इसको स्थापन कर रहे हैं। एक जगह प्रवचन है, हमी तुम्हारा सामने महापुरुष दिगो का ये सकल कथा कीर्तन किया है। इसके बाद नित्य अमंगल नाशक उत्तम श्लोक भगवान का जो गुणानुवाद कीर्तितो श्री कृष्ण विशुद्ध्या भक्ति लाभ करने में अभिलाषी व्यक्ति इसीलिए प्रतिदिन निरंतर श्रवण करे। द्वादश स्कंद से ये उक्ति है, द्वादश स्कंदों का उक्ति, द्वादश स्कंदों में उक्ति है, दशम स्कंद संबंधी श्री कृष्ण जस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते नित्यो नित्यम अमंगलग्नम तमेव नित्यम शृणुवाद अभिघ्नम कृष्णे अमलाम भक्तिर अभिशमान। ये भागवत जी महापुराण का श्लोक है, इसको उठाकर कह रहे हैं। भगवान का जो गुणानुवाद है जस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद इसका अगर प्रस्तुत किया जाए अर्थात भगवान कथा कीर्तन नित्य अमंगल को नाश करने वाले चरम मंगल को प्राप्त कराने वाले तमेव इसीलिए तम एवं नित्यम सुनवाद अभिघ्नम हर समय आप निरंतर निरंतर ये सुने। क्यों न कृष्ण अमलाम भक्ति अभिप्समान, यदि आपका अबार कृष्ण चरण में भक्ति चाहिए तो आप ऐसा ही करें। बहुत सारे ऐसा विचार है, काल विचार किया था ब्रजवासी जनों का प्रकाश स्वभाव में विराजमान भक्ति इस बारे में बताया था, इष्टे सारस्वती राग परमाविष्ट भवेत तन्मयी जब भवित भक्ति सातो रागात्मिको दिता। ये सब बहुत सारे हैं नियम, अनुकूल प्रतिकूल अविरुद्ध बहुत सारे ये सब विचार है। अर्थात इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक परमाविष्टतमयी जे परम अनुराग है इसको राग बोला, इष्ट वस्तु में जो स्वाभाविक ही परमाविष्टता इसको ही राग बोला है। सही रागमयी भक्ति जो ब्रजवासी में दिखाई पड़ता है ये रागात्मिक, इसका बारे में चर्चा हुआ। और जीवगोषी बात दुर्गम संगमिनी टीका में जीवगोषी बात लिखा है, इष्टे सानुकुल्लो विषये सारसिकी स्वाभाविकी परमाविष्टता तस्या हेतु प्रेममयो तृष्णेति अर्थो सारागो भवेत। अर्थात सानुकुल्ले सानुकुल्ले विषयक वस्तुते वस्तु में जो स्वाभाविक ही परम आवेश मूल्य प्रेममय तृष्णा इसी को ही राग बोले। बहुत सारे शास्त्रों का विचार है, इसी रागमयी बराग प्रचुरा भक्ति रागात्मिका भक्ति ये कामरूपा संबंध रूपा ये पहले ही विचार किया गया। कामरूपा ये ब्रजवासी गणों का अंदर में ब्रजगोपियों का अंदर में कामरूपा भक्ति का अंदर में संबंध विशेष रहने से कामरूपा भक्ति तो है लेकिन इसमें अगर संबंध कुछ है तो ये कामरूपा भक्ति का अंदर में संबंध विशेष रहने से संबंध समूह मध्य
काम का ही प्राधान्य सूचित किया गया। लेकिन काम रूपा भक्ति में अगर संबंध रहे तो ये संबंध उतना इंपॉर्टेंट है, काम ही ज्यादा। तो इसमें कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा एक विद्यमान, इसीलिए बाह्य दृष्टि में काम सदृशी रूपे प्रतियमाना देखने से लगता है कि जगत इस जगत का काम है, लेकिन ये काम नहीं है। काम रूपा भक्ति में संबंध विशेष अगर थोड़ा बहुत रहे भी, लेकिन संबंधों का प्राधान्य नहीं है, काम का ही प्राधान्य सूचित है। क्यों? इसमें ये जो काम है, काम में केवल श्री कृष्ण इंद्रियो तर्पण का ही इच्छा विद्यमान, इसीलिए बाह्य दृष्टि में ये देखने में बड़ा डर्टी घृणित लगता है, काम का मापिक, जड़ जगत का काम का मापिक। लेकिन फिर भी ये सर्वोत्तम है, इसीलिए बाह्य काम सदृशी रूप में प्रतियमान होने से भी या सबसे ये सबसे सर्वत रूप से कृष्णेन्द्रिय पूर्ति मोही बोले ये परमा विशुद्ध उन्नत उच्चल। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा गया कि प्रेमैव गोप रामानं काम इति अगमत प्रथाम, जो प्रेम है गोपियों का जिंदगी में इसी को ही बाह्य दृष्टि में काम लगता है, लेकिन अति विशुद्ध प्रेमैव काम गोपा प्रेमैव गोपा रामानं काम इति अगमत प्रथाम इति उद्धवादयो ओपि एतम वंचति भगवत प्रिया। उद्धव जी महाराज ब्रह्मा जी का भी है, जे गुलमलता होकर ब्रह्मा जी भी वृंदावन का अंदर में जन्म लेना चाहता है ब्रह्मा का जी। यहाँ ब्रह्मा जी भी ये प्रार्थना करते रहते हैं भगवान, उद्धव आदि बोलने से ब्रह्मा का भी प्रार्थना है, उद्धव आदि का ये प्रार्थना है। इति उद्धवादयो उपेतम वंचति उपेतम उद्धवादयो उपेतम वंचन्ति भगवत प्रिया। उद्धव वृंदावन से जाते जाते बोला वंदे नंद वजस्तीनाम पाद रेणु अभिघ्नशः यासाम हरिकथाद गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। अर्थात हम वही नंदो ब्रजो रमणी गणु का चरण रेणु का निरंतर वंदना करना चाहता हूँ, जिन लोगों का हरिगान हरिकथा गान त्रिभुवन को ही पवित्र कर सकता है। ये उद्धव का भी प्रार्थना है, ये जो कामरूपा भक्ति अपूर्व अमृतमय। फिर उद्धव जी का ये भी बात है भागवत जी महापुराण में, आसाम हूँ चरण रेणु जूषाम हम साम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम जा दुस्तज्य सज्जनमाज्य पथंच हित्वा भेजूर मुकुंद पदवीं सुतिभिर विमुखा। उद्धव जी बोला लेकिन ब्रज सुंदरी गणों का मापिक, ब्रज गोपियों का मापिक विशुद्धि विशुद्ध प्रेम जगत में किसी जगह होना संभव नहीं है, किसी जगह ब्रज गोपियों का मापिक विशुद्ध प्रेम किसी जगह मिलना संभव नहीं है। प्रेम अभाव हेतु तो फिर कुब्जा में जो कृष्ण विषय निजे अंश अंश की रोति देखा जाता है, ये पंडितगण काम प्राया रोति काम प्राया अर्थात इसमें संभोग इच्छा भी थी, संभोग इच्छा भी थी, संभोग इच्छा बहुला समर्था रोति आदि ये सब चर्चा
जरूरी है करना। समंजसारथी समर्थारथी कहाँ करे, बोलने में भी शर्म होता है, इतना गंभीर विषय है। जो भी है, जो पंडित गण शास्त्रकार गण एक कुब्जा का अंदर में जो काम का मापिक दिखाई जाता कृष्ण को चाहता है, इसमें काम प्राया नॉट कामरूप भक्ति, ये संभोग इच्छा इसका अंदर में है। लेकिन कृष्ण को सेवा किया, कृष्ण ने इनके इच्छा पूर्ति का वादा भी किया, इसीलिए काम प्राया ये शब्दों ये यूज किया गया। तभी साक्षात कृष्ण का इसमें एक बात है, कुब्जा का अपना सुख का तो है ही है, साथ ही साथ कृष्ण को भी थोड़ा सुखाभिलास का रति का विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध नहीं मतलब कृष्ण इसमें स्वयं ही आया, स्वयं ही इच्छा प्रकट किए, तो इसलिए कृष्ण सुखाभिलास रति जो है इसका एकदम विरुद्ध नहीं है। चलो ठीक है, विरुद्ध नहीं, अनुकूल भी नहीं है कि विरुद्ध भी नहीं है, ठीक है, कृष्ण अनुमोदन किया, चलो ये हो सकता। कुब्जा का रोती इसीलिए काम प्राय रोती विशेष हुए व्यवहार, कुब्जा का रोती साधारणी रोती सामंजस्य रोती और समर्थ रोती, साधारण रोती ये साधारणी रोती का अंदर में आती है, साधारण रीति में आती है कुब्जा का, और समर्थारति का बहुत क्षमता, इतना पावर है ये मत पूछो। संबंध रूपा भक्ति में श्री गोविंद में गोविंदो का साथ पितृत्वादि अभिमान, अतः आमी मैं गोविंद का पिता हूँ, भगवान का कृष्ण का माता हूँ, सखा दास, संबंध रूपा भक्ति में श्री गोविंदो का पितृत्वादि हम अभिमान, अर्थात मैं गोविंदो का पिता हूँ, माता हूँ, सखा दास इत्यादि, ऐसे ही संबंध रूपा भक्ति होती है। संबंध मात्र से रिलेटिव है ना, संबंध मात्र भगवान का ये ऐसे ही व्यवस्था है, संबंध मात्र अर्थात संबंधों का साथ साथ ऋषिगण, इसी वाक्य में ऋषिगण उपलक्षण व्यवहृत है, बस संबंध मात्र में संबंध मात्र लेकर ऋषिगण बारसियों हैं, ऋषिगण ऋषिवंशी ये जो इसमें थोड़ा हल्का संबंधों का ये जुड़ा हुआ है, जादव इसमें भी संबंध का जुड़ा हुआ है, जादव कसा देखा इसी बात के उपलक्ष्य में इसके द्वारा समझा जाए कि जदुवंशी है ऋषिवंशी है संबंध मात्र में। रागात्मिका भक्ति कामरूपा संबंध रूपा ये पहले ही बोला हुआ, रागात्मिका भक्ति में काम रूपा संबंध रूपा भेद में द्विविध होने से तदनुगा रागानुगा भक्ति इसकी वो भी कामानुगा असंबंध, रागात्मिका ब्रजवासी में है इसीलिए रागात्मिका भक्ति अगर काम रूपा संबंध रूपा भेद में दो किस्म का हो तो इसका अनुगत्य में रागानुगा भक्ति नेचुरली कामरूपा और संबंधो काम अनुगा और संबंध अनुगा ये भेद है दो किस्म का। ब्रजवासी गणों का अंदर में जो भाव प्राप्ति का लोभ है किसी अंदर में यही प्राप्ति करना रागानुगा भक्ति का अधिकार दे सकता है। जो चैतन्य चरितामृतों में है कृष्ण भक्ति रसो भविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभते तत्र लौल्यमो विमूल्य मेकलम जन्म कुटी सुकृतोर न लभते। ये बात महाप्रभु जी ने बहुत पहले बता दिया,
बहुत पहले, और आचरण के साथ रागानुगा भक्ति का ये सारे प्रमाण महाप्रभु जी ने दिखा दिया। कृष्ण भक्ति रसो भविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभते तत्रो लोल्लमोपि मूल्यमेकलम जन्म कटि सुखत्वैर न लभते। अर्थात करोड़ करोड़ जन्म के कर्म करोड़ों करोड़ों जन्म में जो चीज मिलना संभव नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्म में जो चीज मिलना संभव नहीं है, तथापि लोभ रूप एक मूल्य, लोभ बड़ा अंदर में लोभ, ऐसा मूल्य देके जो प्राप्ति हो सकता है, ऐसा मापिक कृष्ण भक्ति रस भविता अर्थात कृष्ण सेवा रस भावनामयी जे मोती, यदि अगर किसी जगह किसी भक्तों का अंदर में मिल गया तो ये लोल्लोमोपी अर्थात लोभ रूप मूल्य के द्वारा, लालसा लालसा रूप मूल्य के द्वारा इसको जरूर संघो कर ले, क्योंकि ये अनमोल संपत्ति है। साधन भक्ति का विधि पर्याय में विधि भक्ति श्रद्धामूला या श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति ये ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। आसक्ति का बाद भाव, इसका बाद प्रेम भक्ति, साधन भक्ति, साधन भक्ति का राग पर्याय में जब साधन भक्ति इस स्तर में, जब साधन भक्ति ऐसा स्टेज में चले जाए, साधन भक्ति का राग पर्याय में, राग स्टेज में रागानुगा भक्ति का लोभ मूल्य, लोभ मूल्य होता है। ये लोभ बड़ा ही सुदुर्लभ है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया, जातो रुचि महाभागवतो गुरु मुखारविंद से श्रीमद भागवत पद पुराणादि सिद्ध शास्त्रो एवं तदर्थ प्रतिपादक रसिक भक्त जनकृतो लीला ग्रंथ समूह नंद श्री नंद यशोदादि ब्रजवासी का नौका शांतुदास शक बात्सल मधुर रस भाव माधुर्य एवं श्री कृष्ण का रूप गुण माधुर्यादि श्रवण और श्री मूर्ति माधुरी दर्शनादि धारा तत्व संबंध में जत्किंचित अनुभवेर विषय होले, अनुभव का विषय होने से शास्त्र युक्ति निरपेक्ष होके स्वाभाविक रूप में बुद्धिवृत्ति का प्रवर्तन होता है। उसी भाव माधुर्य का आस्वादन अभिलाष होते रहता है, इसी का नाम लोभ। क्या बताया ना, साधन भक्ति जब साधन करते करते राग पर्याय में रागानुगा भक्ति जिसका लोभ का विनिमय में मिलता है, साधन भक्ति राग पर्याय में रागानुगा भक्ति लोभ मूला अर्थात लोभ का बदले में मिल सकता है। ये जो लोभ है बड़ा सुदुर्लभ, इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया, जातो रुचि अर्थात जिसका अंदर में रुचि ऑलरेडी पैदा हुआ, जात रुचि महाभागवत गुरु मुख से श्रीमद भागवत से पद्म पुराण आदि सिद्ध शास्त्रों और ये शास्त्रों में जो प्रतिपादित विषय है उसमें रसिक भक्तो जनक कृतो लीलागंत समूह रसिक जनों का लिए जो रसमय ग्रंथों में और ये भागवत पद्म पुराण इसी में भी जो वर्णित किया गया, इसमें जो प्रतिपादित रसिक भक्तजनों कृतो लीला ग्रंथ समूह श्री नंद यशोदादि ब्रजवासी शांतुदास शक बात्सल्य मधुर रसाश्रित भाव माधुर्य एवं श्री कृष्ण का रूप गुण माधुर्य आदि श्रवण और श्रीमूर्ति
माधुरी दर्शनादि द्वारा तत्संबंध में जत्किंचित अनुभव का विषय होने से अर्थात हृदय हृदय ग्राही हृदय में एक प्रभाव विस्तार करने से तब शास्त्र युक्ति का निरपेक्ष होके स्वाभाविक रूप में जो बुद्धि वृत्ति का प्रवर्तन अर्थात उसी उसी भाव माधुर्य आस्वादन का अभिलाष यही लोभ उत्पत्ति वा रागोदय का लक्षण यही लोभ उत्पत्ति या तो रागोदय का लक्षण बताया गया। वैध भक्ति में अधिकारी जनों में रोति वैध भक्ति वैधी भक्ति में जो अधिकारी जनों में अगर रोति का आविर्भाव काल तक वैधी भक्ति में जो पहले से ही नियोजित है लगे हुए हैं वैधी भक्ति अधिकारी जनों में रोति का आविर्भाव काल तक शास्त्रों व अनुकूल तर्कों का अपेक्षा रखता है। रोहितो अपेक्षा और उसका आविर्भाव होने से और अपेक्षा नहीं है शास्त्रों का अगर आविर्भाव हो जाए उसमें अपेक्षा नहीं है राग भक्ति में। लेकिन पहला प्रवृत्ति से लेकर ये वैधी भक्ति में वैधी भक्ति जनों में रोति आविर्भाव काल तक शास्त्रों और अनुकूल तर्कों का अपेक्षा है। लेकिन रोहित होने बाद में क्या होता है आविर्भाव होने से लोग उसका अपेक्षा नहीं रहता। लेकिन रागानुगा भक्ति में पहले से लोभ का उत्पत्ति होता है इसीलिए कभी भी शास्त्र युक्ति का कोई जरूरी है नहीं। किंतु जिस विषय में लोभ हुआ है तत्प्राप्ति का विषय में शास्त्रादि अनुशीलन गुरु वैष्णव का प्रवचन सुनना वा उपदेश लेना शास्त्रादि शास्त्रोक्त साधन का अनुसंधान अवश्य जरूरी है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है इष्टे राग तृष्णा रागे स्वरूप लक्षण इष्ट वस्तु में इष्टे राग तृष्णा रागमय तृष्णा इष्ट वस्तु में रागमय तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण इष्टे आविष्टता ये ततस्थ लक्षण इष्टे गाढ़ो तृष्णा प्रबल रूप से इष्ट वस्तु में जो तृष्णा प्राप्ति करने के लिए एकदम जबरदस्त इच्छा रहती है ये इष्ट वस्तु में गारो तृष्णा ये राग का स्वरूप लक्षण है। और इष्ट आविष्ट होकर जो रहना ये आवेश होता है ये ततश्च लक्षण रागमयी भक्तिर है रागात्मिका नाम तहा सुनी लुप्त है कोनो भाग्यवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य लिखे तहा सुनी लुप्त है कोनो भाग्यवान लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुगति लोभ होने का बाद ब्रजवासी का उसी विशेष ब्रजवासी का अनुगति करता है अनुगमन। इसमें शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति अनुगति अर्थ अनुगमन अनुसरण अनुकरण नहीं है। रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है विरजंती मति व्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु रागात्मिकाम अनुसृता जा सा रागानुग उच्यते तत्तद् भवादि माधुर्ये सूते धीर्य अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिंच तत् लोभ उत्पत्ति लक्षणम। अर्थात से ब्रजवासी गणों का अंदर में अभिव्यक्त प्रकाशित व्यक्त अभिव्यक्त रूपे रागात्मिका भक्ति विराजमान नित्यकाल है। ऐसी भक्ति का अनुसृता अनुगमन अनुगाता जो भक्ति यही रागानुगा पहले भी बताया ब्रजवासी दिगो का भाव आदि माधुर्य श्रवण में बुद्धि में
एक अंतर से एक खिंचावट महसूस होता है, इसका नाम है रागानुगा भक्ति का अधिकार देने में, रागानुगा भक्ति में अधिकार देने में यही है मूल कारण, यही है मूल कारण। शास्त्रों व युक्ति लोभ उत्पत्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे सब चर्चा पहले भी हो गया। साधो बाह्य अभ्यंतर इहार द्वित साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भवन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। निज अभीष्ट कृष्ण पृष्ट पाछे तो लगिया, निरंतर सेवा करे अंतर मन हइया। साधक रूपे यथावस्थित देह शरीर में अर्थात ब्रज में अन्नत्व जहाँ भी शरीर हो, साधक रूप में यथावस्थित देह मतलब अगर ब्रज में व अन्य जगह जो भी शरीर है जहाँ भी है आप, और इसी रूप में सेवा करें यथावस्थित, और सिद्ध रूप में अंतश्चिंतित रूप देकर निरंतर सेवा करें, ऐसा ब्रजवासी लोगों का अनु शरण कृष्ण प्रेष्ठा। अगर कामात्मिक कामानुगा जो है इसमें अवश्य ही काम के द्वारा है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा रूपमंजरी प्रवृत्ति इन लोगों का अनुगत, ये लोगों का अनुगत रूपमंजरी रूपगोस्वामी पाद स्वयं है, फिर भी इधर बताया गया श्रीमती राधा ललिता विशाखा रूपमंजरी प्रवृत्ति ये लोगों का अनुगत, ये लोगों का अनुगत दिखाया है, ये लोगों का अनुगत दिखाया है। इस शरीर में रूप गोस्वामी पाद यद्यपि गौर नित्य पार्षद और रूपमंजरी रूप में राधा गोविंद लीला में है, तथापि बाहरी विचार में दिखाया ये लोगों का अनुगत श्री रूप सनातन आदि भगवत परिकरगण का अनुसरण अनुसरण पूर्वक सेवा करतो, अर्थात ललिता विशाखा आदि रूपमंजरी जो सेवा की ये लोग तो ये लोगों का अनुगत्व का शिक्षा दिया। ये लोग ये जो श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा हो इनके अनुगत्व का शिक्षा दिया, यद्यपि रूपमंजरी रूपगोस्वामी पाद स्वयं है, फिर भी कृष्ण प्रेष्ठा श्रीमती राधा ललिता विशाखा रूपमंजरी इत्यादि ये लोगों का अनुगत जैसे रूप सनातन आदि ये भी भगवत पार्षद है गौरांगों का, इनके अनुसरण करके हमारा सेवा करते, इनके अनुसरण अनुकरण नहीं है। अर्थात अगर हमारा जिंदगी में रूपमंजरी का भाव बहुत पसंद आया अंदर में खिंचावट, तो फिर डायरेक्टली रूपमंजरी का तो इसलिए ये शिक्षा करना है रूप गोस्वामी पाद का अनुगत्य में। सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी इनके अगर है तो इसलिए बताया जे इन लोगों का अनुगत्य में अनुगत्य शिक्षा दिया श्री कृष्ण पृष्ठा श्री राधा ललिता विशाखा रूप मंजरी प्रभृति ये लोगों का अनुगत अर्थात अनुगत्य अनुगत्य शिक्षा देने वाले जो हमारा गौर पार्षद है स्वरूप सनातन आदि भागवत परिकरगणों का अनुसरण करना, अनुसरण करके सेवा करना कर्तव्य कर्तव्य है। अर्थात साधक देह काय आदि ये शरीर देह के सेवा कैसे करें, अर्थात साधक शरीर में काय आदि सेवा स्वरूप सनातन आदि ब्रजवासी गणों का अनुगत्य में एवं अंतश्चिंतित शरीर में सिद्ध देह में मानुष्य सेवा श्री ललिता विशाखा रूप मंज अनुगत। क्या बताया साधक देह जब साधक देह में है यहाँ कायिक आदि सेवा जो जो रूप गोस्वामी पद किया सनातन किया ये लोग भी ब्रजवासी है, ये भी ब्रजवासी है, अर्थात
साधक शरीर में कायिकादि सेवा स्वरूप सनातन ये लोग भी बुजवासी है, ये लोग भी बुजवासी है, तो ये लोग का अनुगत्य में करना चाहिए। साधक शरीर में ये शरीर देकर सेवा स्वरूप सनातन आदि ब्रजवासी गणों का अनुगत्य में एवं अंतश्चिंतित तो सिद्ध शरीर में मानुष्य सेवा जो है वो ललिता विशाखा रूपमंजरी का ये लोग भी ब्रजवासी है, ये लोग का अनुगत्य में कर्तव्य। यही अनुगत्य बा अनुसरण करना जरूरी है, अनुकरण नहीं है, अनुसरण करना जरूरी है, अनुकरण करना निषिद्ध है। जैसे एक उदाहरण दे, सिलो श्रीनिवास आचार्य का कन्या श्रीमती हेमलता ठाकुरानी, सिलो श्रीनिवास आचार्य दुहिता श्रीमती हेमलता ठाकुरानी परित्यक्त शिष्य, ये बात बोल, ये जो है श्रीनिवास आचार्य का जो दुहिता आमाद हेमलता ठाकुरानी का, ये जो हेमलता ठाकुरानी का परित्यक्त शिष्य जिन्होंने त्याग कर दिया, सिलो रूप कोरिया इसका इनका नाम है रूप कोबिराज, असम प्रदेश में सुरमा उपत्यका में एक उद्भट मत, एक भयंकर एक मत स्थापन किया, इनको हेमलता ठाकुर ने परित्याग कर दिया। इन्होंने क्या किया, असम में जाकर इनके नाम है स्वरूप कबीरा, असम प्रदेश में सुरमा उपत्यका बोल के एक सुरमा उपत्यका में एक उद्भट अपना मत, अपना एक दूसरा मत को चलाया। क्या चलाया, से श्री गुरुपाद पद्माश्रय एकादशी पतो सालग्राम या तो तुलसी सेवा दी गोपिका गण किया नहीं तो हम लोग भी नहीं करेंगे। इस बारे में रसामृत सिंध में भी बताया था बहुत दिन पहले, ये राधा रानी ललिता विशाखा ये लोगों के लिए एकादशी जरूरी है नहीं, लेकिन रूप गोस्वामी बा सनातन गोस्वामी जो ब्रजवासी है ये लोगों ने एकादशी आदि किया है, नाम किया है, राधा रानी नाम करने में बैठ जाएंगे जाएंगी ऐसा नहीं, तो ये एक उद्भट पागल के मापिक एक नियम बनाया असम में, जो ललिता सखी ये लोग तो कोई गुरु नहीं लिया तो हम लोगों को गुरु लेना जरूरी है नहीं, इसीलिए श्री गुरु पदाश्रय एकादशी व्रतो सालग्राम सेवन तुलसी आदि ये गोपिकागण किया नहीं तो हम लोगों का भी जरूरी है, ऐसा बोल के एक भयंकर एक उल्टा नियम चलाया पागल का माप। सुरमा उपत्यका में वही मौत प्रचलित हुआ था, इसलिए चक्रवर्ती महाशय विश्वनाथ चक्रवर्ती सौरम्य मत बोला है, क्योंकि ये पागल लोग जो असम में इतना उल्टा नियम चालू किया, ये लोग ब्रजवासी बोलने से रूप गोस्वामी पाद सनातन जीव ये लोग को समझता है, ये लोग सोचता है कि राधा चंदावली रूपमंजरी हैं गुणमंज ये लोग सब ब्रजवासी है, ये लोग का उल्टा विचार है। ब्रजवासी बोलने से ये लोग श्री राधा चंदावली इत्यादि ग्रहण करते, बहुत सारे, इसीलिए परमाराध्य जो हमारा ये है गोपाल जी ने, जो व्यक्ति यही मत अर्थात बाहरी दृष्टि में जो व्यक्ति इसी मत अर्थात बाहरी साधक देह सुतो हरिकथा का कीर्तन आदि द्वारा सेवा एवं मन में कृष्ण सेवोपयोगी निज रसोचित सिद्ध देह सर्वकाल भ्रजे राधा कृष्ण सेवा करने में व्यस्त है, वो
व्यक्ति शास्त्रों व शासन गुरु शासन का आधार पर वैद्य भक्ति का परिवर्त में वैद्य भक्ति का बदले में अपना स्वाभाविक की जातोरुचि प्रभाव में रागानुगा पथ में चलते चलते कृष्ण चरण में प्रगाढ़ प्रीति लाभ करता है। रागानुगा मार्गी रति बा भाव रागानुगा मार्ग में ही रति बा भाव प्रभाव के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाता है, दूसरा किसी तरीका से कृष्ण वशीभूत नहीं होता, इसलिए तभी कृष्ण सेवा प्राप्ति होना संभव है। बाकी नकली करने से सत्यनाश हो जाएगा। बहुत व्यक्ति का ऐसा उल्टा कंसेप्शन है जे राग मार्ग में स्वैराचार उश्रृंखलता व्यभिचार प्रश्रय हो जाता है। बहुत व्यक्ति का ऐसा मिसकंसेप्शन है राग मार्ग में स्वैराचार व उश्रृंखलता प्रश्रय दिवा हो जाता है, लेकिन ये गलत भावना है, ये गलत तरीका से आगे बढ़ता है, ये लोग गलत तरीका से आगे बढ़ते, इसलिए ये लोग का गलत भावना होता है। वास्तविक रूप में एग्जैक्टली जो प्रोसीड्योर है ये पद्धति के द्वारा अगर राग मार्ग में आगे चलने का कोशिश करे, इसमें कभी भी स्वैराचार व्यभिचार उश्रृंखलता आना संभव नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया आज तक भी दक्षिण भारत में बहुत लोगों का ये गलत फहमी है। क्या है? भले ये राधा गोविंद का गोपियों का जो प्यार है इट इज नॉट ऑथेंटिक, ये बड़ा घृणित है, ये लोग सोचता है ठीक है लक्ष्मी नारायण का सेवा ठीक है सीताराम का सेवा ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये बड़ा ना ये उचित नहीं है, ऐसा सोचता है, ये गलत भावना है, ये कभी भी ऐसा नहीं। पहला बात तो ये है लोभ के बिना इंटरनल अट्रैक्शन और लोभ चाहत के बिना राग भक्ति में अधिकार आता ही नहीं। जिसका बारे में बताया था ना महाप्रभु कृष्ण भक्ति रसो भविता मुति क्रियताम यदि कुतोपि लभते तत्र लौल्यमोपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतवैर न लभते। तुम्हें लोभ उत्पत्ति के बिना, इसका मतलब है लोभ के अलावा इस मार्ग में प्रविष्ट होना जोर जबरदस्ती संभव है ही नहीं, अधिकारी होता नहीं। ये सहजिया लोग बहुत सारे कुछ करता है, बहुत सारे उठपटांग करने दो। और लोभ का उदय में भगवान श्री कृष्णों में भगवान में विशुद्ध प्रीति होना जरूरी है। लोभ का उदय का रास्ते में हमारा जो लोभ हुआ है समझेगा कैसे? लोभ उदय का रास्ते में श्री भगवान में विशुद्ध प्रीति ही ये रास्ते में इंडिकेशन, इस रास्ता का मार्ग दिखाने वाले विधि मार्ग अनुसरणीय विधि निषेध मूल तात्पर्य ताते ये जो विधि मार्ग में अनुसरणीय विधि निषेध मूला जो तात्पर्य ये हटकर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्नदाने रागमार्गे कराए प्रवेश। लोभ उत्पत्ति लोभ उदयते भगवान में विशुद्ध प्रीति ही एकमात्र इसका मार्ग प्रदर्शन करने वाले ऐसा विचार होने के कारण विधि मार्ग में जो अनुसरणीय विधि निषेध जो है अल्टीमेटली वो बदल के
विधि मार्ग रहते जने स्वाधीनोत्तर राग मार्ग में प्रवेश करा, अपने से ही स्फूर्ति हो जाता है। विधि पालन में शैथिल्य जोर जबरदस्ती, विधि पालन में अनिच्छा जोर जबरदस्ती, विधि पालन में अनिच्छा और राग मार्ग अनुवर्तन करने में इच्छा, ये उचित नहीं है। अपने आप स्फूर्ति होने से विधि पालन बाद हो जाता है, अपने आप खो जाता है और मन प्राण धन तन मन धन देके निरलस निरवच्छिन्न कंटिन्यूअस रूप पे कृष्णानुशीलन का शुरुआत होता है। तन मन धन लगाकर आसी नाम भजन या तो शास्त्रादि श्रवण कीर्तन में कभी भी और अरुचि अर्थात कभी भी नाम भजन या शास्त्रो प्रवचन हरिकथा भागवत आदि शोभन में कभी भी आलस्य आलसी कभी भी आलसी भाव नहीं आता। इसका मतलब इसका लक्षण अच्छा है। इसीलिए चैतन्य चैतन्यमित में पहले ही बताया इसका गुप्त रहस्य क्या है। न ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। इसमें सारे रहस्य को बताया गया। ब्रह्मांड पहले बताया, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज माली होइया से बीज करे आरोपण शोभन कीर्तन जले करे सेचन उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड भेदी जाए पीरजा ब्रह्मलोक भेदी पर ब्रह्म पाए तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्णचरण कल्प विक्षे करे आरोहण ताहा विस्तारी हैया फले प्रेम फल। ये जो कृष्ण तो कल्प विक्ष कृष्णचरण आहरण किया इसमें फल फूल में विस्तृत होकर तहाँ विस्तारित तो हैया फले प्रेम फल यहाँ माली सेचे नित्य शवन कीर्तनादि जल अर्थात शवन कीर्तन जल का सेचन जो है ये बंद नहीं होना चाहिए। वह प्रेम फल मिल गया। सो साध्य अवस्था में शोभन कीर्तन आदि का जो जल सेचन का कार्य से विरति अर्थात अभी हमारा सब कुछ हो गया तो संकीर्तन बंद कर दो, ऐसा नहीं। सो इसमें विचार बताया साध्य अवस्था शोभन कीर्तन आदि जल सेचन कार्य से विरति विश्राम बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। इसीलिए अगर श्रवण कीर्तन आदि जल चले कोई वैष्णव अपराध गुरुवानुगत्व उल्लंघन का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें अपराध भी आएगा नहीं। अपराध आने का अपराध अगर नहीं है तो इसमें इसमें विपत्ति आने का भी कोई चांस नहीं। सो इसीलिए सुतरांग साध्य अवस्था में श्रवण कीर्तन आदि जल सेचन कार्यो इसमें विरोधी कभी नहीं है। इसीलिए उस संग इसीलिए विपर्जय का कोई अवकाश कोई गैपिंग कोई अवसर हो ही नहीं सकता। दूसरा बात यह है गुरुवानुगत्व में शोभन कीर्तन आदि दूसरा बात यह है गुरुवानुगत्व में शोभन कीर्तन आदि छोड़कर लीला स्मरण करने में प्रवृत्त होने से तरह तरह का विपत्ति आकर आपको मार्ग से भ्रष्ट करा देगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को सावधान किया। प्रभुपाद जी ने वैष्णव केस में लिखा कीर्तन प्रभावे वे प्रभुपाद जी ने ये लिखा कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे सेकाले भजन निर्जन सम। कीर्तन प्रभाव में स्मरण होता है इस समय निर्जन भजन संभव उसका पहले बिल्कुल नहीं है। इसीलिए गुरुवानुगत्व में शोभन कीर्तन आदि छोड़कर गुरुवानुगत द्वितीय तो गुरुवानुगत्व में शोभन कीर्तन आदि ये सब जो विषय छोड़कर अपने आप मनमानी लीला स्मरण में प्रवृत्त होने से तरह तरह का दुष्ट फल अर्थात
विपर्जय होना संभव है, हर हालत में संभव है। इसीलिए सुशिरूप, इसीलिए महाप्रभु जी ने, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप शिक्षा का प्रसंग में इलाहाबाद में रूप गोस्वामी पाद को सिखाया। क्या सिखाया? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, यदि भजन करते करते वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, इस समय उपाड़े बा छिंडे जाए सुखी जाए पाता, इस समय इसका इरेडिकेटेड हो जाता है, उपाड़े बा छिंडे जाए सुखी जाए पाता। ताते माली क्या बताया? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, इसके इससे क्या होता है? उपड़े में छिंडे जाए, तोड़ जाता है लता, भक्ति लता बीज। और इसमें इसीलिए क्या करता है माली, माली माने गार्डनर, ताते माली जत्न करी करे आवरण। इसीलिए भक्ति लता बीज जो अंकुरित होने का साथ साथ हमको सावधान होना चाहिए, किसी तरीका से किसी भी हालत से कोई अपराध ना हो जाए। चारों ओर से एक बाउंड्री, चारों ओर से एक बाउंड्री देना जरूरी है। ताते माली जत्न करी करे आवरण, किस लिए आवरण, किस लिए बाउंड्री देता है? बाउंड्री वॉल बैम्बो का या किसी भी हालत से, जैसे बाहर से कोई छागल, कोई गो माता, भेड़े, हाथी को ना आ जाए और इसका कोई नुकसान ना करे। इसलिए यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ऊपर एवं छिन्ने जाए सुखी जाए पता। इसीलिए ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जोइछे ना है उद्गम, अपराध नामक हस्ती आके लंड भंड एकदम पागल का मापी तश नश कर दे, ऐसा ना करे। इसीलिए बाउंड्री देना जरूरी है। ये बाउंड्री क्या है? बाउंड्री स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, विधि मार्ग में जो बचाने के लिए सारे नियम कानून, ये बाउंड्री है। आई बात समझ में? तो पहले से ही अगर सहजिया का मापिक गोपी बन जाए, इसमें खतरा हर हालत में है, हर हालत में है। तो ये बाउंड्री है, आवरण, ये है गुरु वैष्णव का अनुशासन का पालन करना, विभिन्न विधि मार्ग का कठोर नियम पालन, ये आवरण है। किसलिए? न अपराध नामक हाथी हस्ती इसका अंदर में आ नहीं पाए। किंतु फिर भी हाथी छागल भेड़े कुछ नहीं आए, ठीक है चलेगा, फिर भी यदि अगर ये लता भिक्षा का साथ इसमें उपशाखा, आपने देखे होंगे जब कोई फसल बोता है, बोने का साथ साथ ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस जाके वो घास फूस बगल में सब उठा के फेंकता है। क्यों? अगर नहीं तो नहीं किया तो ये मूल जो शाखा, ये जो मूल शाखा, ये बढ़ने का कोई चांस नहीं होगी, क्योंकि जमीन का रस ये खा जाएगा और असली जो फसल है ये आगे नहीं बढ़े। इसलिए इसको बीच बीच में खेती में जाकर इसको उठा के फेंकना है। कोई लता वृक्ष आदि अनवांटेड एलिमेंट्स उठा के फेंकना। इसीलिए कृष्णदास कबीरदास दूसरे ने बताया, रूप गोस्वामी पाद का ही शिक्षा का पूर्ण प्रकाश कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी का माध्यम में चैतन्य चैतन्य। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे जाए सुखी जाए पाता, ताते माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर जोइछे नहि उद्गम। किंतु यदि
लतार संगे उठे उपशाखा, लता का साथ उपशाखा उठना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है? उपशाखा मतलब मूल भक्ति छोड़कर भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब तरह तरह का वांछा आके आपका भक्ति का जो प्रोग्रेस उन्नति इसको रोक देगी। इसीलिए बड़ा ताते माली जत्न करी करे आवरण अपराध हस्तिर जोइछे ना उद्गम। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा जत असंख्य तार लेखा निषिद्धाचार कुठिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत हैं उपशाखागण शेक जल पाइया अर्थात जे जल सेचन होते अर्थात जे जो जल हम नित्य देते रहते हैं ये जल का शेक अर्थात जल प्राप्ति होकर उपशाखा बढ़ते रहेगा और मूल शाखा छोट मूल शाखा का कोई वृद्धि होना संभव नहीं। इसीलिए इसीलिए बताया किंतु यदि लौता भक्ति लौता जैसे है भक्ति लौता है इसका ही समझाने के लिए बताए। किंतु यदि लौतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा जत असंख्य तार लेखा निषिद्धाचार कुटिनाति जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखागण शेक जल अर्थात जल से जल जो सेचन क्या सिंचाई की इसके द्वारा उपशाखा बढ़ते रहेगा और मूल स्तब्ध हुआ मूल शाखा बढ़ते ना पाए। शेक जल पाइया उपशाखा शेक जल पाइया उपशाखा बढ़ी जाए स्तब्ध हुआ मूल शाखा बढ़ते ना पाए। प्रथमे ही उपशाखा प्रथमे ही साधक के लिए कर्तव्य है पहले ही ये उपशाखा का छेदन करो पहले ही उपशाखा का छेदन करो तबे मूल शाखा तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन प्रेम फल पाकी पड़े माल पड़े माली करे आस्वादन लता अवलम्बी माली कल्पवृक्ष पाए तहा से ही कल्पवृक्षेर तहा से ही कल्पवृक्षेर करे सेचन सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। ये सारे बात धीरे धीरे बताया श्रीमान महाप्रभु जो ओबिद्यो तत्वसार शिक्षा प्रदान किया है। श्रीमान महाप्रभु जे विशेष रूप में ये ओबिद्यो तत्वसार का शिक्षा प्रदान किया है ये पुनः पुनः रिपीटेडली हम लोग को यद्यपि ये समझना बहुत मुश्किल है फिर भी कोशिश करना चाहिए। इसका ग्रहण करने वाले एक आदमी भी नहीं मिला बहुत मुश्किल फिर भी श्रीमान महाप्रभु ये ओबिद्यो तत्वसार का शिक्षा दिया है ये सावहित विथ फुल अटेंशन चित्त में पुनः पुनः अनुशीलन करना जरूरी है। तत्नन सुपठन विचारण पर भक्ता विमुचित न रह इसमें संभव है बाकी इतना एक दिन में चर्चा करने से भी वो भी टिपिकल विषय है समझना बहुत मुश्किल। जो भी है यहाँ चर्चा का विश्राम दे आज ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए यहाँ ही विश्राम दे चर्चा का और जो अंतिम श्लोक देकर जो श्लोक देकर शुरुआत किया था कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव विशतु में मनस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफ बात वृत्वय कंठावरोधन विदो भजनम कुतस्त अर्थात कवि कुलशेखर कह रहा है मुकुंद माला सोत्तम हे कृष्ण हमारे ये प्रार्थना है हमारा मन रूपी ए राजहंसो आपका चरण पद्म जो है इसमें डुबकी लगाए और इसमें बद्ध हो जाए अर्थात निकल ना पाए।
हमारा मन रूप ये जो हंस है ये आप ही कहा, आप ही का जो चरण कमल है इसमें डुप लगा है और पिंजरे में अबद्ध हो जाए, नहीं तो देखो ऐसा अगर ना हुए तो हमारा अंतिम समय आ गया। इसमें कप बात 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 कप पित्तो बात ये बड़ा कष्ट दे रहा है, जीने का कोई सहारा नहीं रह गया। तुमको कैसे स्मरण करें, तुमको कैसे सोचे शरण करना संभव नहीं, क्योंकि कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते, आपको कैसे चिंतन भजन कैसे करें, क्योंकि कब वित्तपात बड़ा मुसीबत में डाला है। कंठो घुर घुरायते, कंठो घुर घुरायते, क्या करें। जो भी है यहां तक चर्चा के विश्राम रखे, आज यहां तक रहे। वांछक कल्पतरुवश्य कृपासिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।